राजधानी रायपुर के एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा तेलीबांधा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान सट्टा संचालित करने वाले दो अंतर राज्य सहित चार सटोरियों को दबोचा है। पकड़े गए आरोपी तेलीबांधा थाना क्षेत्र अंतर्गत वीआईपी रोड स्थित गोल्डन स्काई ग्राउंड एम्पेरिया के पास गली में सेटअप तैयार कर आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा का संचालन कर रहे थे। प्रकरण में संलिप्त आरोपी निखिल धामेजा मध्य प्रदेश एवं मनीष दौलतानी महाराष्ट्र के निवासी हैं। सटोरियों के कब्जे से 2 नग लैपटॉप, 14 नग मोबाइल फोन एवं करोड़ों रुपए के सट्टा का हिसाब किया गया है। जब्त मशरूका की कुल कीमत लगभग 3,50,000 रुपए बताई गई है। मामले की जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम संदीप मित्तल ने इस प्रकार से दी। अधिकारियों के आदेश पर लगातार एसएसयू की टीम कार्रवाई कर रही है, जिसमें निजात अभियान के तहत नारकोटिक्स चाकूबाजों के ऊपर में नियंत्रण किया जा रहा है। बाइक चोरों के बारे में पूरा डोजियर तैयार किया जा रहा है और इसी क्रम में आईपीएल के दौरान सट्टा खिलाने वाले लोगों पर लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और कार्रवाई के इसी क्रम में कल एसएसयू और तेलीबांधा पुलिस को ये सूचना मिली कि गोल्डन स्काई ग्राउंड इम्पेरिया के पास में कुछ लोग सट्टा खिलाने का कार्य कर रहे हैं। कि सूचना पर एसएसयू की टीम ने वहां पर रेड कार्रवाई की, जिसमें 2 लैपटॉप सीज किए गए हैं, साथ में 12 मोबाइल जिनकी लगभग कीमत 3.5 लाख रुपए है। और इन दोनों लैपटॉप में करीबन 3.5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन का इसमें हिसाब है। इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 मूलतः सिवनी के रहने वाले हैं और रायपुर में वर्तमान में रह रहे थे। और इनके ऊपर में मुंबई में कल्याण थाने में पहले भी मामला पंजीबद्ध हुआ है। एक व्यक्ति इसमें नागपुर महाराष्ट्र का रहने वाला है और एक लोकल व्यक्ति इसमें शामिल है।